इक्यावन में पीवी नरसिंह मैंने वी लिख दिया, पीवी नरसिंह राव की सरकार आती है और उन्होंने दो परिवर्तन प्रस्तुत किए। पहले तो ये कहा कि जो 27% आरक्षण है वो सब लोगों को नहीं दिया जाए, ओबीसी के केवल उन्हीं लोगों को दिया जाए वो जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, और दूसरी, ये तो कोई ज़्यादा खास बात नहीं थी, कोई बात नहीं, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये की कि 10% जो सीटें हैं वो जनरल कास्ट के लिए भी इकोनॉमिकली बेस के आधार पर, यानी जो आज 103वां संविधान संशोधन लागू हुआ है उसकी नींव पीवी नरसिंह राव ने 1991 में डाल दी थी। लेकिन उस समय वो बात सुप्रीम कोर्ट में गई और खारिज हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं 103वां संविधान संशोधन 1991 की देन है। 1991 में पीवी नरसिंह राव थे, उन्होंने ये कहा कि 10% सीटें हैं वो सवर्णिम वर्ग के लिए आरक्षित होनी चाहिए और उसका आधार होना चाहिए आर्थिक इकोनॉमिक। तो ये बात उस समय की है। अब ये दो परिवर्तन सरकार ने किए लागू कर सरकार ने परिवर्तन किए। जैसे ही ये परिवर्तन हुए तो इंदिरा साहिनी जानी मानी वकील थी, उनकी एक याचिका लगी और इंदिरा साहिनी केस के नाम से ये केस बहुत फेमस हुआ 1992 में। इंदिरा साहिनी वाद, या इसको मंडलवाद भी कहते हैं, उस समय एक नारा था मंदिर मंडल, है ना। मंदिर का भी केस उसी समय आपको पता है बाबरी मस्जिद वाला चल रहा था और मंडल भी उसी समय अपनी लायक जो रिपोर्टें थी वो लागू हो रही थी, तो बहुत ज़बरदस्त नारा चला था मंदिर और मंडल की राजनीति। तो ये दौर था 1992-93 का। तो 1992 में इंदिरा साहिनी जी थी, उन्होंने 16(4) के विस्तार पर चर्चा की और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि 27, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा साहिनी वाद से बहुत बार प्रश्न आते हैं, इंटरव्यू में भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से ऐसा भी लिखा आता है कि मंडल केस भी नाम से भी पूछेगा निम्न में से कौन सा सत्य है। तो आपको इंदिरा साहिनी वाद के निर्णय को एक नियम की तरह याद करना है। इसने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 27% आरक्षण जो सामाजिक और शैक्षणिक सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर दिया गया है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड, ये संवैधानिक भी है और मान्य भी है। मोर लग गई। दिया किसने, सिफारिश किसने की थी, मंडल आयोग ने, कब की थी, 1980 में। घोषणा किसने की, बीपी सिंह ने, और इसमें परिवर्तन किसने किया, पीवी नरसिंह राव ने, और चैलेंज किसने किया, इंदिरा साहिनी ने, और इस पर मोहर किसने लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने, कब लगाई, ये लगाई 1992 में कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़ापन दिया गया पिछड़ापन के आधार पर जो आरक्षण दिया गया है इट इज़ वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, ये संवैधानिक है, इसे लागू होना चाहिए, ये वेद है। लेकिन जो पीवी नरसिंह राव जी की दूसरी बात थी कि 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी विशेष प्रोविजन दिए जाने चाहिए, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। एक नई बात इन्होंने दे दी जो आपको पता है, यहाँ पीवी नरसिंह राव जी कह रहे हैं कि 27% में भी जो लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े में हैं उनको आरक्षण देना चाहिए। तो जो 27% की जो इसमें दो कैटेगरी बना दी, एक वे लोग थे जो क्रीमलेयर से, यानी अपने कह सकते हैं क्रीमलेयर यानी मलाई की जो परत, या कहने का मतलब जिनके पास अपना गुजारा बसर करने के लिए, जिनके अपने जीवन गुजारा बसर तो गरीब करते हैं, जो अपनी ऐसो आराम करने के लिए जिनके पास अच्छी खासी सुविधाएं होती हैं वो क्रीमलेयर में आते हैं। इसकी सीमा भी समय समय पर बदलती रहती है, 2.5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख। तो क्रीमलेयर की अवधारणा आई और ये कहा कि जो लोग इस आय से, एक निश्चित आय से ज़्यादा हैं, उन लोगों को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर हम पिछड़ा वर्ग नहीं मान सकते, भले ही उसकी जाति कुछ भी हो। वेरी इंपॉर्टेंट बात एक बताना भूल गया, जो अपना इंदिरा साहिनी बात था उसने इस बात पे मोहर लगा दी कि भारत में जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, जाति आरक्षण का आधार हो सकती है, इससे पहले नहीं थी। इससे पहले केवल वर्ग को आरक्षण दिया जाता था, ST SC एक वर्ग है, क्लास है। जो ओबीसी थी इसमें यह कह दिया कि जाति है वो भी पिछड़ेपन का आधार हो सकती है, और जाति में भी इन्होंने दो भाग बांट दिए कि मान लीजिए वो पिछड़ी है लेकिन अगर उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ऐसो आराम करता है, रेड लेवल पीता है, नाइट टूर करता है, या इधर उधर घूमता है, अच्छी बंगले गाड़ी ऐसो आराम रखता है, विल्सन पीता है, तो वो लोग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है।
इसलिए इन्होंने सबसे पहली जो इंदिरा साहनी केस में जो बातें हुई वो थी क्रिमलियर की अवधारणा, क्रिमलियर की। और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, एक बात और बता दूं, क्रिमलियर की अवधारणा एससी एसटी के लिए लागू नहीं होती है, ना आज है, ना उस समय थी, ना पहले थी, ये केवल और केवल ओबीसी के लिए लागू है। दूसरा, इन्होंने महत्वपूर्ण डिसीजन ये दिया कि पदोन्नति में, प्रमोशन में, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि किस में लागू नहीं होगा, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, केवल इतना लिख दिया कि किसी को भी प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब जब प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होगा तो आपको पता है विवाद होना ही था।